सिर्फ 10 मिनट में बाजार से भी बढ़िया क्रिस्पी, कुरकुरी, स्वादिष्ट और रसीली जलेबी बनाएंगे, जो बनाना जितना ज़्यादा आसान है खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। हेलो दोस्तों, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते। इसके लिए यहाँ मैंने एक बर्तन में एक कटोरी चीनी डालेंगे और जितना हमने चीनी लिया था उसका आधा हम इसमें पानी डालेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसमें उबाल आने देंगे। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1 से 2 कुटी हुई इलायची डालेंगे। और अब हम चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं चाशनी हमारी आधी पक गई है और चीनी भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। इस टाइम पे आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं, एक चुटकी आप इसमें ऑरेंज या येलो फूड कलर डालें, जिससे जलेबी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ मैं चाशनी में कलर का यूज़ नहीं करूँगी, जिससे बचे हुए चाशनी का आप फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं चीनी हमारा बहुत अच्छे तरीके से घुल गया है और चाशनी भी हमारी अच्छे तरीके से पक गई है। हम इसे अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए और पकने देंगे, जिससे ये गाढ़ा और चिपचिपा हो जाएगा। और अब हम चाशनी में 1 से 2 बूंद नींबू का रस डालेंगे, जिससे चाशनी हमारा क्रिस्टलाइज नहीं होगा। और ये गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम चाशनी को ठंडा होने के लिए रखेंगे। और तब तक चलिए हम जलेबी का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 1 कटोरी मैदा डालेंगे, 1/2 चम्मच घी डालेंगे, यहाँ मैंने जमे हुए घी का यूज़ किया है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, आप इसकी जगह इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, जिससे जलेबी का फ्लेवर बिल्कुल हलवाई स्टाइल आएगा। और अब हम इसमें 1 चम्मच दही डालेंगे, यहाँ मैंने खट्टे वाले दही का यूज़ किया है। दही डाल करके हम इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे, जिससे मैदे में ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और मिल भी जाएगा। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा या थिक बैटर बनाएंगे। हम इसमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक बार में अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा और उसमें लम्स भी रहेंगे। तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर को अच्छे से मिक्स करें, जिससे बैटर हमारा बिल्कुल फ्लफी और स्मूथ बनेगा और जलेबी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आप देख सकते हैं बैटर हमारा अभी काफ़ी गाढ़ा है, हम इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर से इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ बैटर बना लेंगे। और आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। यहाँ मैंने बैटर बनाने के लिए 1/2 गिलास पानी का यूज़ किया है। और अब हम इसमें जलेबी का परफेक्ट और सुनहरा कलर आने के लिए हम इसमें 1 से 2 ड्रॉप येल्लो फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डाल करके हम इसे अच्छे से चलाते हुए फिर से मिक्स कर लेंगे, जिससे कलर हमारा बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आप देख सकते हैं बैटर का कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। और आप देख सकते हैं जलेबी बनाने के लिए बैटर हमारा ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। और अब हम एक इस तरीके का दूध वाला पैकेट या थैली लेंगे, यहाँ मैंने इस पैकेट को अच्छे से धो के साफ करके इसे सुखा लिया था। और अब हम पैकेट को अच्छे से ग्लास में डालेंगे और इसे ग्लास में डाल करके हम इसके चारों तरफ पैकेट को अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेंगे, जिससे बैटर हमारा इजीली पैकेट के अंदर चला जाएगा। आप दूध वाले पैकेट की जगह नमक का भी पैकेट का यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जलेबी बनाने के लिए पैकेट में हमारा फिलिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ मैंने इसे फिल कर लिया है। हमें इसे पूरा ऊपर तक नहीं फिल करना है, नहीं तो बैटर हमारा प्रेस करते समय बाहर की तरफ निकलेगा। और अब हम इस तरीके से एक रबर बैंड से इसे अच्छे से पैक कर देंगे या सील कर देंगे, जिससे जलेबी बनाते समय बैटर हमारा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और आप देख सकते हैं जलेबी बनाने के लिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट कोन बनके तैयार हो गया है। और अब हम इस तरीके का एक फ्राई पैन लेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और पैन को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे, यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसकी जगह घी या ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और पैन में तेल डालकर हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। और आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें काफ़ी सारे बबल्स आ गए हैं। और अब हम कोन लेंगे
और कोन को सीजर या कैंची से इस तरीके से हम काटेंगे। और आप देख सकते हैं जलेबी बनाने के लिए यहाँ मैंने सीजर से इसे बिल्कुल परफेक्ट कट कर लिया है। और अब हम जलेबी बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑयल में हम इस तरीके से सेंटर से घुमाते हुए बैटर डालेंगे और इसे जलेबी का शेप देंगे। और आप देख सकते हैं पैन में जलेबी डाल करके हम इसे फ्राई होने देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे से जलेबी का शेप में डाल करके मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई होने देंगे, जिससे जलेबी हमारा क्रिस्पी बनेगा और ये अंदर तक पकेगा। और अब हम इसे इस तरीके से चिमटा या चम्मच से पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देंगे। और आप देख सकते हैं जलेबी को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गए हैं। जलेबी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसके बबल्स भी बिल्कुल कम हो गए हैं। हमें इसे इतना ही फ्राई करना है, नहीं तो जलेबी हमारे हार्ड हो सकती है। इस तरीके से एक के ऊपर सारे जलेबी रखेंगे। और अब हम इसे चिमटा से प्रेस करते हुए इसका एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेंगे। और अब हम गर्मा गर्म जलेबी को चाशनी में डालेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे चाशनी में डाल दिया है। और अब हम चाशनी में जलेबी को अच्छे से डिप कर लेंगे, जिससे चाशनी जलेबी के अंदर तक चले जाएगा। और अब हम सेम तरीके से बाकी बचे बैटर का भी जलेबी बना लेंगे। आप इसे 1 से 2 बार इस तरीके से बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जलेबी आपका बिल्कुल परफेक्ट बाजार के जैसा बनेगा। आप पैन में जितना एक बार में जलेबी आए आप उतना ही बैटर डालें और इसे फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए 1 से 2 बार प्रैक्टिस के बाद यहाँ मेरा जलेबी बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। तो सेम तरीके से आप भी इंस्टेंट 10 मिनट में घर पे कभी भी मेहमान आए या कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस तरीके से फटाफट से जलेबी बनाएं। घर में बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। या आपके घर पे अगर कोई फेस्टिवल हो, गेट टुगेदर हो, तो आप घर पे जलेबी बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं चाशनी में 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ मैंने इसे छोड़ दिया था और जलेबी हमारी चाशनी को अच्छे से सोख ली है और जलेबी हमारी बिल्कुल परफेक्ट और रसीली बनके तैयार हो गई है। और अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 कटोरी मैदे से काफ़ी सारे जलेबी बना के तैयार कर लिया और जलेबी हमारी बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी, कुरकुरी और रसीली बन के तैयार हुई है। ये देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो इस तरीके से इस रेसिपी को घर पे बनाएं और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।